हेलो हेलो टू द क्लास ऑफ 9th एंड 10th। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आज भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी समय पे उसी के जोश के साथ। तो चलिए मैं आपका वेलकम करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म स्पेशली क्यूरेटेड फॉर यू जस्ट 9 एंड 10। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कैसे फंक्शन करता है। सो यू आर बीइंग टॉट ऑन अ टॉपिक फॉर अबाउट 25 टू 30 मिनट्स एंड देन यू विल टेक अप अ क्विज जहाँ आप राइट देन एंड देयर स्पॉन्टेनियसली ऑन द सेम टाइम आप जज कर सकते हैं, खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा है, कितना रिटेन किया है, क्या आप इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ फ्रेंडली एडवाइस गाइज, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपको इसका पूरा बेनिफिट उठाना है। ठीक है फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू टू दिस प्लेटफॉर्म जस्ट 9 एंड 10। ये चैनल आप ही का है, आपको इसका पूरा बेनिफिट उठाना है। ओके, सो आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट टू की, जिसका सब टॉपिक है रेस्पिरेशन। सो दिस इज माय लेक्चर टू, आई वेलकम यू ऑल होल हार्टेडली। एंड जैसा कि मैंने बताया था, लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी टेक्स्ट बुक का, तो उसे हम बिट बाय बिट लेंगे। तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। ठीक है, सो लुक एट दिस, दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम है, आप अपनी बॉडी को सामने से देखिए मिरर में, आप लेटरल व्यू जैसे इस लेफ्ट या राइट एंगल से देखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा कि ये है पूरा पैसेज ऑफ एयर, नोज से लेके ट्रैकिया से लेके लंग्स में कैसे जाता है एयर, वो हम डिटेल में अभी इसी लेक्चर में आगे समझेंगे। ठीक है, सो दिस इज जस्ट बेसिक रिप्रेजेंटेशन। बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम ख्याति अग्रवाल, योर एजुकेटर ऑफ बायोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन बैचलर्स इन बॉटनी फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी इन बड़ौदा। फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी आई हैव कंप्लीटेड मास्टर्स इन बॉटनी विद अ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट टिश्यू कल्चर, जो है बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। हम जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तब मैं डिटेल में आपको अपने काम के बारे में बताऊंगी। इट्स रियली एक्साइटिंग। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए, मेरे पास 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड दीज आर माई क्वालिफिकेशंस। I have recently cleared exam gate in the paper life sciences and I hope आपको मुझसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा, मुझे भी आपको पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। चलिए, because I don't want you to miss any opportunity from learning from this platform Unacademy, let me guide you briefly and very quickly through the process of subscription। ठीक है, तो Unacademy learning app download कीजिए, play store में जाके उसे install कीजिए। आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको अपना उसमें से कैटेगरी चूज करना है, आप 9th में है तो ये सिलेक्ट कीजिए, आप 10th में है तो क्लास 10 चूज कीजिए। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ कोर्सेज विच यू आर प्रोवाइडेड। आप देख सकते हैं आपके पास कितनी वैरायटी है, कितने सारे चॉइसेस हैं, आपके पास अनगिनत चॉइसेस हैं। आप एजुकेटर्स के, आप जाइए डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स के साथ बैठ के पढ़िए, ट्राई कीजिए, आपको जिसका भी मेथड अच्छा लगता है, जिसके भी ट्रिक्स और टिप्स में से समझ आता है, जिसका भी आपको वे ऑफ डिलीवरी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, फॉलो कीजिए, आप उनके कोर्स को सुनिए। फ्री कोर्सेज हैं जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, एंड स्पेशल क्लासेस हैं जो आपको आपके लर्निंग ऐप में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट रिसोर्सफुल इज दिस प्लस सब्सक्रिप्शन, जो मैं आपको अभी समझाने जा रही हूँ। इसमें आपको लाइव पोल्स, लाइव क्विजेस, वन ऑन वन इंटरेक्शन, टीचर के साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस सब मिलेगा। सभी सब्जेक्ट का पूरा मटेरियल, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन का भंडार है ये प्लस कोर्स। ठीक है, चलिए, तो सब्सक्रिप्शन के लिए आप 3 months, 6 months, 12 months कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। दिस वुड बी योर टोटल फॉर 12 months। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू यूज माई कोड ख्याति 10। अगर आपको मुझसे पढ़ने में खूब मजा आता है, उतना ही मजा जितना मुझे आपको पढ़ाने में आता है, तो ये कोड अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट एन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है, अगर आप हमारे साथ लंबे टाइम के लिए जुड़े रहे हैं, जैसे कि 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक, क्योंकि अनअकैडमी इज एन एंडलेस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, आई एम श्योर आपको ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा सूटेबल है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ एजुकेशन एंड
अपलिफ्टमेंट, ये 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स के रिस्पेक्टिव चार्जेस हैं एंड यू कैन यूज द कोड फॉर एन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड दीज आर द टोटल फॉर 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स रिस्पेक्टिवली. आई रिक्वेस्ट यू टू अगेन यूज माई कोड ख्याति10 फॉर योर डिस्काउंट. ओके, सो वन फाइनल थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू एंड आस्क फ्रॉम यू इज ये टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कीजिए एंड ये लिंक, ये URL यूज करके इस ग्रुप में ऐड हो जाइए. ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल होगा बिकॉज यहाँ सारा कंटेंट, सारा इन्फॉर्मेशन, कोर्स मटेरियल सब कुछ शेयर किया जाता है. आपको स्पेशली कुछ डाउट पूछना है मुझसे, आप यहाँ आइए. आई विल क्विकली केटर टू योर डिमांड्स एंड टू योर डाउट्स. ओके, तो क्विकली जाइए, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड जस्ट क्लास 9 and 10 जो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है ग्रुप, ज्वाइन कीजिए. आपके सारे एजुकेटर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगे. ओके, चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज रेस्पिरेशन. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, वो याद है ना आपको? आई होप आपको याद है. हाँ, मैंने सबके आंसर्स देखे थे क्विज में एंड यू हैव डन वेल गाइज. तो रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं. हम पढ़ेंगे आज इसका मीनिंग और रेस्पिरेशन, जिसका असली मतलब ही है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, फूड का ब्रेकडाउन. तो वो ब्रेकडाउन कैसे होता है, उसके अलग अलग पाथवेज. फिर जो हमारे लिए जानना सबसे जरूरी है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हम डिटेल में फ्लो ऑफ एयर पढ़ेंगे. ठीक है, ये कोई साईफाई मूवी का डायग्राम नहीं है, ये हमारे लंग्स का ही डायग्राम है. ये हमारा विंड पाइप या फूड पाइप दोनों का मिक्सचर है जिसको हम बोलते हैं ट्राकिया, और ये है हमारे दो कुशन जैसे या बेसबॉल शेप के दो पिचके साइड बाय साइड लंग्स प्रेजेंट है. ठीक है, नाउ ओके फाइन, रेस्पिरेशन से शुरुआत करते हैं. बाय डेफिनेशन रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. क्यों बोला है? क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ये 90% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं. ये बहुत ज्यादा कॉमन है और मोस्टली 90% ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. जो बाकी का बचा है, विच इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसका दूसरा नाम है फर्मेंटेशन. समझ आ रहा है आपको? देखिए, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखती हूँ. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, और ये जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो ये हमारा हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक का दूसरा नाम है फर्मेंटेशन. समझ गए? किस में कॉमन है जानते हैं? फर्मेंटेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में बहुत कॉमन है? यीस्ट. सुना है नाम? सुना है आपने यीस्ट का नाम पहले कभी? यीस्ट इज अ कॉमन टाइप ऑफ फंजाई जो कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होता है पता है? एल्कोहल मेकिंग इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री. ठीक है, क्योंकि जो बेकरी में जो ब्रेड है, पेस्ट्रीज है, उनका जो फ्लफीनेस है ना, वो जो फुलता है, वो यीस्ट के CO2 प्रोडक्शन से होता है. ये आगे जाके हम फर्मेंटेशन समझेंगे कि फर्मेंटेशन में एग्जैक्टली क्या होता है. तो जब यीस्ट CO2 प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जब CO2 एयर इवॉल्व होता है, मतलब रिलीज होता है, उस CO2 की वजह से वो ब्रेड है उसके अंदर, उसके होल्स में CO2 भरने की वजह से ब्रेड फूलता है. सिंपल भाषा में यीस्ट ऐड कर दो, यीस्ट ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा और बनाएगा इथेनॉल और CO2, और वो CO2 की वजह से ब्रेड भी फूलेगा. और वाइन और एल्कोहल मेकिंग इंडस्ट्री में ये यीस्ट यूज होता है, उसमें जो इथेनॉल बनता है ना, वो इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल. आप समझ रहे हैं? शुगर, बेकरी इंडस्ट्री और एल्कोहल मेकिंग इंडस्ट्री, दोनों में ये यीस्ट काम करता है, क्योंकि फर्मेंटेशन के दोनों प्रोडक्ट्स इन दोनों इंडस्ट्री में काम आते हैं. एक में आता है एल्कोहल और एक में आता है CO2. ठीक है, अब जो ये रेस्पिरेशन है ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये ब्रीदिंग से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है
वो हमें दिखता नहीं है। पहली बात, ब्रीदिंग है हमें दिखता है, रेस्पिरेशन बॉडी के सेलुलर लेवल पे हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, और ब्रीदिंग जो है हम बाहर से भी, ये इनहेलिंग और एक्सहेलिंग जो हो रहा है बाहर वाले लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हैं। ओके, नाउ तीसरी बात, इट इज कैरिड आउट इन स्टेप्स, विच मीन्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, जो अभी हम आगे देखेंगे कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या है। तो हम इतना समझ गए, हमारे लिए ये याद रखना जरूरी है कि एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन हमने बोल दिया। और ये जो यीस्ट है, ये फर्मेंटेशन करके दो चीजें बनाता है, एक तो है अल्कोहल, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा अल्कोहल, और एक है CO2 की वजह से ये वाइन मेकिंग इंडस्ट्री और ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री दोनों में यूज होता है। इतना समझ गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज ब्रेकडाउन करना जरूरी क्यों है, क्यों चाहिए, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है ये सेल, क्योंकि उस ग्लूकोज को, ये देखिए ये ग्लूकोज जो है उसको तोड़ के ऐसे ब्रेक 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 करके हमें मिलती है एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी सारे एसेंशियल लाइफ फंक्शंस, सारे एसेंशियल बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि एनर्जी हर चीज के लिए चाहिए, क्योंकि बॉडी बहुत मेंटेनेंस मांगता है, बॉडी बहुत ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है, तो हमें एनर्जी बहुत चाहिए। अब ये जो ग्लूकोज है ये है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और ये ब्रेक डाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल में। कौन से सिंपल मॉलिक्यूल, वाटर, CO2 और इथेनॉल। ये देखिए पीछे जाते हैं तो ये जो मैंने अल्कोहल बताया, ये एक टाइप ऑफ जो अल्कोहल है ना उसका एक टाइप है इथेनॉल, तो ये आ गया, इथेनॉल भी आ गया, CO2 भी आ गया और वाटर भी आ गया। ये तीन सिंपलर मॉलिक्यूल्स आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लूकोज, मतलब दे आर द बाय प्रोडक्ट्स, दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। हम इनको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इनको प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं। समझ आ गया ना, अच्छे से समझ आ गया, क्विज क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ना, ठीक है। चलिए ये प्रोडक्ट समझ आ गए। अब जो है अपटेक ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैसे होता है, किस किस सिस्टम की हेल्प से हो सकता है, तो प्लांट्स में जो है हमने पढ़ा था स्टोमेटा, ये है हमारा स्टोमेटा, प्लांट्स में हमने पढ़ा था ये स्टोमेटा, उसकी हेल्प से ये ऑक्सीजन और CO2 ये दोनों जा रहा था, ठीक है। ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन CO2 दोनों स्टोमेटा में प्योरली सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से पास होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, ये एक सरफेस है, ये लार्ज सरफेस है, सिंपली डिफ्यूजन ऐसा होता है कि अगर ये सरफेस के ऊपर 5 मॉलिक्यूल्स है और नीचे 3 मॉलिक्यूल्स हैं कोई भी चीज के, तो कमी कहाँ है, नीचे है ना, और ज्यादा कहाँ है, ऊपर है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाना सिंपली, एकदम आम भाषा में सिंपल मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसमें किसी भी और कॉम्प्लेक्स हाईफाई चीज की जरूरत ही नहीं है बॉस, ये बहुत ही सिंपल है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव होना इज डिफ्यूजन। पानी का डिफ्यूजन ले लो, हवा का डिफ्यूजन ले लो, कोई भी चीज का डिफ्यूजन ले लो, जहां वो ज्यादा है वहां से वो मूव हो रहा है जहां पे वो कम है, ठीक है। ये हो गई हम बात, हमने कर ली प्लांट्स की, तो ये पहला हो गया, ये होता है प्लांट्स, ओके, स्टोमेटा इन प्लांट्स। फिर दूसरा बात हम करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स का, जो पानी में रहते हैं और जिनके पास ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है क्योंकि वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में होता है। हमारे पास तो बहुत सारा ऑक्सीजन है लैंड पे, पर ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास थोड़ा सा कम है ना, डिसॉल्व्ड फॉर्म में होता है, इसीलिए क्योंकि डिसॉल्व्ड फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो लो है, इसलिए उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग हाई होता है। आप समझ रहे हैं, ये देखिए ये मैंने एक फिश बनाई, हंसिएगा मत, अच्छी सी बना रही हूं मैं, आई होप ये काम चला हुआ है। तो यहाँ पे है गिल्स, ठीक है, यहाँ पे होते हैं गिल्स ये फिशेस के, ठीक है, और ये गिल्स में से पानी मूव होता है, H2O गिल्स में से मूव होता है
और जो ऑक्सीजन है वो जो डिजर्व फॉर्म में है वो ये गिल्स के थ्रू से ट्रैप हो जाता है और फिर बाकी का पानी रिलीज हो जाता है जो रिच इन CO2 है, उसी फॉर्म में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है फिश वो ऑक्सीजन ले रही है CO2 छोड़ रही है, ऑक्सीजन ले रही है CO2 छोड़ रही है, वैसा ही हम भी करते हैं, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी वैसा ही करते हैं। अब हम बना देते हैं एक थर्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल, ओके, जो जो है ह्यूमन, चलिए हम ह्यूमन ले लेते हैं, हम सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग एनिमल है लैंड पे, तो ये हमारा ह्यूमन हो गया और इसके पास प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो हमने फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड में भी देखा ना कि ये पूरा ये चलो माउथ है, माउथ से एयर आ रहा है और ये ऐसे डिवाइड हो रहा है ट्रैकिया और लंग्स में, ठीक है, तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमंस के पास। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन आता है लंग्स में फ्लो करता है, मस्त एब्जॉर्ब करते हैं हम। हमने तीन टाइप्स देख लिए अपटेक ऑफ ऑक्सीजन के, प्लांट्स में देख लिया, फिश में देख लिया जो एक्वाटिक एनिमल का एग्जांपल है, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो ह्यूमन है वो भी देख लिया। डिफरेंस खाली तीनों में यही है कि ये भी ऑक्सीजन लेता है, ये भी ऑक्सीजन लेता है, पर जो प्लांट्स है वो CO2 अंदर लेते हैं, ठीक है, हमने कल देखा था ना वो CO2 और वाटर की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये CO2 अंदर लेता है और ये ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, जबकि हम दोनों एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। इतना आ गया समझ अच्छे से? चलिए, हमने जो इधर हमने पढ़ा, यहाँ पे हमने दो टाइप्स के वो पढ़ लिए, रेस्पिरेशन एरोबिक एनएरोबिक। एरोबिक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इसका इसको फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब उसके बाद हमको देखना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका ये थोड़ा मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है जिसको मैंने सिंपल फॉर्म में फ्लोचार्ट की फॉर्म में लिखा है, देखिए ये पाथवे आप एक बार अपने अपने हाथ से अपनी नोटबुक में लिखेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए हमारे मुझे देखिए हमारी बॉडी में हमारे सॉरी फेस पे दो ओपनिंग्स हैं, ये नोज है और माउथ है, तो ये माउथ का ओपनिंग उसको ओरल कैविटी बोलते हैं और नोज का ओपनिंग उसको नेजल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, तो ओरल कैविटी नेजल कैविटी दोनों चीज से हम एयर लेते हैं, पर हम यहाँ बात करेंगे नेजल कैविटी की, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर रेस्पिरेटरी पाथवे है एयर का। तो ये देखिए ये नोज हो गया और नोज हो गया और दो नॉस्ट्रिल्स हैं हमारे पास, एक नॉस्ट्रिल में से यहाँ से एयर गई, यहाँ से एयर पास हो रहा है नेजल कैविटी में से पास हो रहा है, ये है हमारा फेरिंग्स, ये है हमारा लैरिंग्स, ठीक है, और यहाँ से हम आते हैं ट्राकिया में, तो ये वाला जो रीजन हुआ वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ये वाला जो रीजन है वो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब पैसेज, पाइपलाइन, ट्रैक्ट का मतलब एक पाइप बोल सकते हैं, तो हम इस लंबी सी पाइप में जो यहाँ तक रीजन है ना ब्लू में जो दिख रहा है वो अपर रीजन हो गया और ब्लू के नीचे जो पिंक वाला है वो लोअर रीजन हो गया। तो यहाँ से फिर से रिपीट करते हैं, ये नेजल कैविटी से एयर अंदर गई 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 यहाँ से लेके फेरिंग्स से लेके लैरिंग्स से लेके यहाँ नीचे ट्रैकिया में आई। ट्रैकिया को हम बोल सकते हैं हमारा विंड पाइप, ठीक है। अब विंड पाइप में यहाँ पे दो लंग्स में बाइफर्केशन मतलब क्या होता है, डिविजन, ऐसे ब्रांचिंग हो जाती है, ठीक है, तो इस ब्रांचिंग में फर्दर ब्रांचिंग होती है ट्यूब्स की, ये जो बहुत सारे ट्यूब्स हैं इनमें फर्दर ब्रांचिंग, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, सिंगुलर है ब्रोंकस, ठीक है, और उनकी और फर्दर ब्रांचिंग होती है एकदम छोटे 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 पतले ट्यूब्स में, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, और फिर उनकी और ब्रांचिंग होती है ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, जिनका सिंगुलर है एल्वियोलस। देखिए यहाँ पे हम डायग्राम इसका सिंप्लीफाइड देखते हैं, ऐसे एनलार्ज्ड डायग्राम देखते हैं, ये है हमारा एल्वियोलस का लाइनिंग, ठीक है, ये दिख रहा है एल्वियोलस का लाइनिंग और ये ब्लड कैपिलरीज का लाइनिंग। तो एल्वियोलस का सरफेस इतना बड़ा है
यहाँ से ऑक्सीजन जल्दी अंदर चला जाता है और CO2 बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। ये दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन अंदर आया, CO2 बाहर गया। हमें CO2 तो लेने की जरूरत नहीं है ना, हम CO2 ब्रीद नहीं करते ना, हम ऑक्सीजन ब्रीद करते हैं। तो हमें अपने सेल्स को क्या पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है ना, और सेल्स में से बाहर क्या लेना है, CO2 बाहर लेना है, क्योंकि CO2 हमारा बाय प्रोडक्ट है, वो वेस्ट है, उसको बाहर फेंकना है। तो ऑक्सीजन अंदर लिया, CO2 बाहर हटाया, ये सब हर एल्वियोलस में होता है। और यहाँ कितने सारे ऐसे छोटे 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 एल्वियोलस है, देखिए ये हर ब्रांच के एंडिंग पे बहुत सारे लैक्स ऑफ लैक्स इन नंबर्स होते हैं एल्वियोलस। और ये दूसरे लंग्स में, दूसरे साइड पे भी सब सेम टू सेम है। तो पाथवे हम फिर से देखते हैं। एयर नॉस्ट्रिल के थ्रू जाता है। अब नॉस्ट्रिल में होते हैं बहुत सारे हेयर्स। अपने अपने नेजल कैविटी में हेयर फील किया, हेयर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। क्या काम होता है इन हेयर का, ये फिल्टर करता है। फिल्टर किन चीजों को, डस्ट को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। समझ आ गया, ये फिल्टर करते हैं डस्ट को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और ये म्यूकस भी होता है, जो स्टिकी वैक्स लाइक सब्सटेंस नहीं होता, जिसके हमें बात करना अच्छा नहीं लगता अनेक नोज के अंदर, वो भी ट्रैप करता है। ये फिल्टर करता है, ये ट्रैप करता है। दोनों किस चीज को ट्रैप और फिल्टर करते हैं, दोनों सेम ही चीज है, डस्ट और ये बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको हमें बॉडी के अंदर जाने नहीं देना है, क्योंकि वो क्या करेंगे, ब्लड में जाके हार्म करेंगे। डस्ट क्यों चाहिए बॉडी के अंदर, नहीं चाहिए। माइक्रोब भी क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। तो उनको बाहर फिल्टर कर देंगे या तो ट्रैप कर देंगे और फिर फेंक देंगे बॉडी में से। तो ये नोस्ट्रिल का काम हो गया। फिर नोस्ट्रिल से आता है थ्रोट। थ्रोट में आता है, थ्रोट ये वाला रीजन, लैरिंग्स फैरिंग्स, ठीक है। ये देखिए, ये थ्रोट ये दिख रहा है। फिर आता है हम ट्राकिया के बाद लंग्स में। लंग्स में और ट्यूब्स होते हैं, ब्रोंकाई, और ट्यूब्स होते हैं ब्रोंकियोल्स। फिर एकदम छोटे बलून शेप स्ट्रक्चर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की खासियत क्या है, वो वही क्यों रिस्पॉन्सिबल है ये एयर का पासेज करने में, क्योंकि एल्वियोलाई जो है उनके पास लार्ज सरफेस एरिया है, ठीक है। एल्वियोलाई के पास लार्ज सरफेस एरिया है फॉर गैसेस एक्सचेंज। ये देखिए, ये जो है ये इतना बलून लाइक बल्बस स्ट्रक्चर जो इतना बड़ा सा, वो कितना ज्यादा सरफेस एरिया दे रहा है। आप मुझे बताइए, आप इस ट्यूब का सरफेस एरिया, मतलब ये जो ट्यूब के नीचे ये जो होल है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, या ये ट्यूब जब इस बलून लाइक स्ट्रक्चर में एंड होता है तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है? ऑफकोर्स इसका ज्यादा है। ये इतना, ये देखिए, ये सरफेस मतलब क्या समझते हैं आप, ये पूरा जो सरफेस है ना, वो पूरा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। ये बलून है, यहाँ से हर जगह से गैस पास हो रही है, और वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बाहर आ रहा है। अब ये होता कैसे है, ब्लड कैपिलरी में भी, ब्लड जो ब्लड वेसल है यहाँ पे, जिसमें जिसको कैपिलरी के नाम से बताया गया है, उसमें क्या ऐसा है जो इस ऑक्सीजन को खींच रहा है। ऑक्सीजन ऐसा कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं जो वो ऐसे ऐसे तैर रहा है पूरे ब्लड वेसल में। वो एक गैस है, वो एक गैस कंपोनेंट है, जिसको पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो वो उड़ जाएगा। तो इसको पकड़ के कौन रखता है, ये पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये रेड ब्लड, ये जो रेड सेल्स हैं, हमारे ब्लड में दो टाइप के सेल्स होते हैं पता है, रेड ब्लड, एक्चुअली बहुत टाइप के होते हैं, पर आपके समझदारी की, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताऊं कि रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। तो रेड कलर कौन देता है आरबीसी को, ये रेड कलर मिलता ही इनसे है, हीमोग्लोबिन नाम के पिगमेंट से ही ये आरबीसी को रेड कलर उनका मिलता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इसकी खासियत ये है कि इसके पास ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा अफिनिटी है। अफिनिटी से क्या समझते हैं, प्रेम, बाइंड करने की कैपेसिटी, उसको अच्छा लगता है। कोई भी आम भाषा में शब्द ले लीजिए, तो अफिनिटी का मतलब यही है कि वो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी चिपक सकता है, वो अच्छे से बाइंड कर लेता है। उसकी CO2 से अफिनिटी कम है और ऑक्सीजन से अफिनिटी ज्यादा है, इसलिए जब हम एयर लेते हैं तब जो हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ ऑक्सीजन को पकड़ता है, वो चुन चुन के ऑक्सीजन को पकड़ता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए ना, हमें ऑक्सीजन ही अपने टिश्यूज को भेजना पड़ेगा, उसी से काम चलेगा, उसी से एनर्जी मिलेगी, ठीक है। वो ब्रेकडाउन का पाथवे आपको पता है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में है। ग्लूकोज जो है
वो ब्रेक डाउन होता है पाइरुवेट में। पाइरुवेट समझते हैं, मैं आपको चलिए बताती हूँ। जो ग्लूकोज है वो है एक 6 कार्बन कंपाउंड, जब हम जो हम फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था, और पाइरुवेट जो है वो है 3 कार्बन कंपाउंड। अब इसको याद कैसे रखने का, मैं एक हो सकता है सिली ट्रिक है, पर क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ट्रिक्स और मेमोरी टिप्स के साथ ही पढ़ाती हूँ, तो मैं ऐसे याद रखती हूँ कि जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी है, तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में हमारे पास जनरली होती है 2 आंखें, पर जो पायरेट है वो 1 छुपा के रखता है, तो वो 2 का आधा 1 से काम करता है। तो वैसे ही मैं इसको पायरेट बना देती हूँ और 6 कार्बन का आधा 3 कार्बन के साथ इसको काम चलाना पड़ता है। मैं ऐसे याद रखती हूँ, आप अपनी कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं बॉस, ठीक है। दिस इज जस्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू द इजिएस्ट फॉर्म टू रिमेम्बर, ओके। तो 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स, जो फिर से कन्वर्ट होता है CO2, इथेनॉल, वाटर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पाथवे। हमने देखा ना टाइप ऑफ पाथवे हमारे पास बहुत सारे होते हैं, एरोबिक होता है, एनएरोबिक होता है, फिर एक और होता है जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जो कि होता है मसल सेल्स में। लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मसल सेल्स में यही सेम पाइरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आ रहा है समझ में? देखिए, ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन था तो ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो पीछे फर्मेंटेशन समझाया वो होगा, उसमें बनेगा एल्कोहल, CO2, याद है 2 ब्रांचेस एल्कोहल और CO2। अब जब यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी ना, ये देखिए, ये मैंने लो मतलब कम ऑक्सीजन, तब यही ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, और वही पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक, LAC TIC एसिड, समझ आ रहा है आपको? लैक्टिक एसिड, ओके। अब ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पाथवेज 3। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट व्हिच कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड CO2। तीसरा, इन लैक लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरुवेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा आप दौड़ लेते हैं, आप बहुत लंबे लंबे मैराथॉन्स में भागते हैं, ऐसा, ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब बारी है हमारे आखिरी पड़ाव की, जो है क्विज। रेडी हैं? आर यू ऑल प्रेप्ड अप? याद कर लीजिए, क्विकली याद कर लीजिए क्या क्या आज पढ़ा। तो डू फर्स्ट क्वेश्चन, पक्का? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। 25 सेकेंड्स टू गो, याद कीजिए क्या पढ़ाया था, अच्छे से याद कीजिए। चलिए, Which of the following is not a part of human respiratory system? Gills, alveolus, bronchioles, hemoglobin. याद कीजिए इन सब का क्या क्या मतलब था, अलग अलग थे क्या थे। ठीक है, आगे आप सबको आंसर। Which of the following is not part of human respiratory system, my dear students? And answer is gills. Okay, correct. तो आपको याद है ना, ये हमारा माउथ है, और यहाँ से, आई एम सॉरी, ऐसा माउथ नहीं बनना चाहिए, फिर यहाँ से ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया अलग अलग डाइवर्ट जाता है 2 अलग अलग लंग्स में, ठीक है। और ये ब्रोंकियोल्स, तो ये ब्रोंकियोल्स भी पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ब्रोंकियोल्स आर डिवाइडेड इनटू एल्वियोलस, ये भी हो गया। और हीमोग्लोबिन जो है, इस एल्वियोलस के साथ जो ब्लड कैपिलरी चलती है वहां से एक्सचेंज करने में मदद करता है, वो भी आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इजिली कैरीज द ऑक्सीजन टू आवर टिश्यू बिकॉज, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्यों वो ऑक्सीजन इजिली कैरी कर पाता है, बताइए। चलिए, किसके पास? टिश्यू के पास। It is a pigment in the blood. It has high affinity with oxygen. It is a small molecule, both A and B. बताइए, क्या पढ़ा अभी हमने, किस चीज की बात की?
If you have answered option D, it is correct. Yes, both A and B. हमने molecule की size की तो बात ही नहीं की, हमने बोला कि वो एक pigment है जो blood में है और उसके पास oxygen से bind करने की capacity बहुत ज्यादा है, तो ये जो blood में जब वो flow करेगा, मतलब ये because वो blood में है तो वो हर organ में जाते 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 सबके पास पहुंचेगा, cells के पास पहुंचेगा, टिश्यूज के पास पहुंचेगा, वो सबके पास पहुंचेगा, समझ आ रहा है? टिश्यूज ऑर्गन्स के पास जाएंगे, कितने टाइप्स ऑफ सेल्स है बॉडी में, वो सबके पास जाएगा, क्योंकि ये है ब्लड के अंदर और ब्लड बॉडी के हर कोने में जाता है, ठीक है? और फिर है उसके पास ऑक्सीजन की ज्यादा एफिनिटी, मतलब वो चुन चुन के किसको बाइंड करेगा, ऑक्सीजन. ओके, चलिए. The glucose can be broken down by how many pathways that we learned today? हमने इनमें से क्या-क्या पढ़ा? बताइए. हमने तीन pathways पढ़े. इसमें से इनमें से कौन से हैं? कोई ऐसा है जो गलत है इसमें? Choose कीजिए. चलिए. 9 seconds to go. Yes, all of these. ये सारे हमने पढ़े, ठीक है ना? A को मैं फिर से बताती हूँ. In presence of oxygen, glucose, 3 carbon वाले pyruvate molecule में टूट जाता है, जो और ज्यादा टूट के सिर्फ और सिर्फ CO2 बनाता है, ठीक है? CO2. जबकि ये जो in absence of oxygen, जिसको anaerobic respiration बोलते हैं, ये ग्लूकोज पाइरुवेट में टूट के 2 चीजें बनाता है. एक है इथेनॉल और एक है CO2. अब हमने देखा कि ये इथेनॉल जो है वो अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज हो जाता है और CO2 जो है वो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज हो जाता है. तो ठीक है, अल्कोहल इंडस्ट्री और ये है बेकिंग इंडस्ट्री. ओके, फिर आता है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन. लैक ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू पाइरुवेट और वो जाके बनाता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमको क्रैम्प्स हो जाते हैं बॉडी में, हर उस मसल में जहां पे ऑक्सीजन की कमी है. ओके, स्पोर्ट्स एथलीट्स, बहुत सारे जगह ऐसा हो जाता है, ठीक है? ग्लूकोज सारे होते हैं 6 carbon कंपाउंड, पाइरुवेट सारे होते हैं 3 carbon कंपाउंड, ये भी होता है 3 carbon लैक्टिक एसिड, ये पता है ना हमें, ये 3 carbon है, ये 3 carbon है और ग्लूकोज है 6 carbon. चलिए आगे बढ़ते हैं. द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी, इनमें से कौन से 3 है बाय प्रोडक्ट्स रेस्पिरेशन के, बताइए मुझे. चलिए, CO2, वाटर, इथेनॉल, ग्लूकोज, इनमें से कौन से 3 मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं, रेस्पिरेशन के अंत में ये 3 आते हैं. 5 seconds to go. Yes, you're right. Option 1, 2 and 3. ठीक है, ये आंसर करेक्ट है. ग्लूकोज नहीं आ सकता ना, ग्लूकोज बाय प्रोडक्ट थोड़ी है, वो तो सबस्ट्रेट है. ग्लूकोज को ही तो हम तोड़ रहे हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ही तो हम ये बना रहे हैं, हम 1 बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं और 3 बना रहे हैं, है ना? ठीक है, समझ आ गया ना? ग्लूकोज बाय प्रोडक्ट नहीं, ग्लूकोज सबस्ट्रेट है जिसपे ये एक्शन किया जा रहा है और जिसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक और चीज आपने नोटिस की, जो रेस्पिरेशन है ना वो फोटोसिंथेसिस का एग्जैक्टली अपोजिट है, क्योंकि यहाँ देखिए, फोटोसिंथेसिस में हम CO2 और वाटर को यूज करके बना रहे थे क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, है ना? और यहाँ हम रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन करके CO2 और H2O बना रहे हैं. हुए ना ये एक दूसरे के ऑपोजिट, एकदम भाई भाई, है ना? जुड़वे भाई नहीं है, एकदम दुश्मन वाले भाई हुए ये ऑपोजिट. यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया
या ये जो प्रोडक्ट है वो सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया, ये एकदम एक दूसरे के अपोजिट है, एकदम ही अपोजिट है, ठीक है। तो चलिए आप पूछेंगे इसमें इथेनॉल क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया था ना इथेनॉल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करता है, फर्मेंटेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो ये आएगा ही नहीं, तो जहां पे ऑक्सीजन आ गया वहां पे इथेनॉल आएगा ही नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई इज सक्सेसफुल इन गैशियस मूवमेंट इन द लंग्स बिकॉज, कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है बताइए। कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स, हायर सर्फिस एरिया, लार्ज इन नंबर या फिर सभी, कौन सा ऑप्शन सही है। 5 seconds to go. Yes, if you selected option D, you are absolutely correct. क्योंकि मैंने बताया कि ये जो alveoli है ये हर blood vessel के साथ connected है, सारी blood vessels alveoli के बहुत ही नजदीक से फ्लो हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से ये ऑक्सीजन और CO2 का मूवमेंट हो जाता है। और इसका सरफेस एरिया मतलब ये जो है ना एरिया जो सरफेस पे दिख रहा है ये हाई है और ये बहुत लार्ज इन नंबर है, क्योंकि हर लंग में हर जैसे हमारे पास दो पेयर्स है, हर लंग में बहुत सारे हैं एल्वियोला, इतने सारे हैं ना कि ये बहुत ही इजिली हो जाता है रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में। समझ आ गया आपको, ये था टॉपिक रेस्पिरेशन का। आपने आई होप क्विज भी अच्छे से परफॉर्म की हो। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए बनाया गया है, आप ही का है, पूरा बेनिफिट उठाइए। इसका PDF आपको मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि पता चले आपके फेवरेट एजुकेटर्स कब आ रहे हैं, किस समय पे आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अकेले अकेले पढ़ने में कैसा मजा, शेयर कीजिए लोगों से डिस्कशन कीजिए, सबको बताइए कि आप किस मेथड से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक जिस दिन पढ़ रहे हैं उसको और डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आपस में क्विज सॉल्व कीजिए, यू नो। एंड फाइनली आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, ख्याति 10 इज माई रेफरल कोड, ये यूज कीजिए वेन यू गेट योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में विद द फर्दर सब्सिक्वेंट टॉपिक्स इन द सेम चैप्टर। और ये है 10th के लिए, मैं जल्दी आऊंगी 9th स्टैंडर्ड के भी चैप्टर्स के साथ लाइव फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑन जस्ट द प्लेटफॉर्म जस्ट 9 एंड 10। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।